यार मिथुन चक्रवर्ती ब्रो, यार बहुत टेस्टी है। पास ही रहते हो मतलब? आस पास ही रहते। He is also giving 50% discount. 50% discount for all this. तो हेलो गाइस, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय महाराष्ट्र। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष सहगल लेके आऊँ फिर से एक न्यू वीडियो। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। तो आज का वेदर बड़ा सुहाना है, धूप निकली है कजाकिस्तान ऑलमाइटी में। और आज हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह ग्रीन मार्केट की तरफ। अप्रॉक्सीमेटली अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि यार कल रशिया निकल रहा हूँ, आज लास्ट है, तो आज हो सके तो दो तीन चीज़ें कवर कर लूँ, फिर पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। सो फाइनली हम लोग ऑलमाटी में हैं। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे ग्रीन बाजार की तरफ बाय लोकल बस। आज मैंने कोई यैंडेक्स एंड ऑल बुक नहीं की है, तो इसके बारे में बता दूं कि यार यहाँ पे ना एक बहुत मतलब अच्छा रूल है, मतलब बोल सकते हो आप, न्यू कमर के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, बट ऐसे बहुत अच्छा रूल है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे, कैसा है ना हमारे इंडिया में कैसा है कि यार चलो रोड पे भी लोग चल लेते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में ना रूल ऐसा है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे यहाँ पे चलना पड़ता है, मतलब इनका ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी स्नो का है। क्या क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अगर आप इधर से उधर जाओगे तो आप पे फाइन भी पड़ जाएगा और दूसरी चीज़ आपको दिक्कत भी हो जाएगी। रुको मैं दिखाता हूँ कुछ। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे रोड पे चलते हो तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए कि ऐसा स्नो का रास्ता बना गया है जैसे हमारे इधर ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है। बेसिकली अभी मैं हूँ सी फुलिन एवेन्यू के तरफ में। सी फुलिन एवेन्यू यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली ग्रीन बाजार 4 किलोमीटर दूर है और अप्रॉक्सीमेटली 14 स्टॉप लेगा बस। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर कभी भी बस में आ रहे हो तो आपको अपना लोकल स्टेशन जो है वो याद रखना है। इससे क्या है कि आपको डिफ़िकल्टी ना हो आपको जाने आने के लिए। और मेरा जो स्टेशन है वो नियर बाय मेरे हॉस्टल सी फुलिन एवेन्यू नाम से स्टेशन है वहाँ पर। और यहाँ से हमें 14 स्टॉप दूर जाना है, बस नंबर 9 आएगी हमारी और यहाँ से हम लोग सीधा पहुँचेंगे ग्रीन बाजार की तरफ। ग्रीन बाजार अप्रॉक्सीमेटली 7-8 बजे तक ओपन है और अभी बज रहे अप्रॉक्सीमेटली सुबह के 10, तो हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं। और यहाँ पे यार धूप निकली आज, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अदरवाइज हम लोग कभी भी लाइक यहाँ से निकल रहे ना तो बहुत ठंडी हो रही थी। तो चलो देखते हैं अभी ग्रीन बाजार की तरफ बस का वेट करते। बस नंबर 9 आएगी हमारी और मैं पहले ही बता दूँ 14 स्टॉप है हमारे यहाँ से। और एक ऐप है, अगर आपको बस नहीं समझती या कुछ प्रॉब्लम है, ये कोई पेड स्पॉन्सर नहीं है, ये मेरा वैसे भी चैनल मोनेटाइज नहीं है तो क्या पेड स्पॉन्सर करूँगा। तो सेकंड चीज़ ये है कि इसमें टूगीज नाम का एक ऐप है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा या लाइक इधर में नीचे आ रहा होगा। टूगीज नाम का एक ऐप है जिससे आप लाइक बस एंड ऑल सब देख सकते हो विदाउट इंटरनेट भी। तो बेस्ट चीज़ है ये टूगीज ऐप, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो। ये एग्जैक्ट आपको बता देगी कि आपको कौन से बस स्टेशन पर उतरना है। मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे यार ये बाहर तो जाता है पर इसको पता कैसे चलता है? मैं नहीं बताऊंगा। तो हाँ लोकल लोगों से पूछकर तो आप देखो वहाँ पे और जाओ। मैं भी अपने बस का अभी वेट कर रहा हूँ और देखते हैं बस को कितना टाइम है कि आज हमें शिमला भी कवर करना है, हमें आज कोकटोबी भी कवर करना है। सो मिलते हैं। इनकी जो बसेस होती है वो ऊपर जो वायर देख रहे ना वहाँ से अटैच होती है। देखो सेम चाइना में भी ऐसी बसेस थी, मतलब इनकी जो तार ऊपर दिख रहे हो आप, तार से लगी हुई बस है ये, तार के हिसाब से चल रही है ये बस है। ये देखो तार के हिसाब से चल रही है, वॉकिंग हो रही है। और एक चीज़ बता दूँ, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 9 नंबर बस में तो बैठना है, पर आप सोच रहे होंगे बस यहाँ पे कितने देर में आती है। तो हाँ यहाँ पे बस का थोड़ा सा इशू है, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स में एक एक बस आती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है अगर आप मेट्रो स्टेशन पर आ रहे हो। लाइक मेट्रो या नॉर्मल भी है, 15 मिनट्स में एक आती है बस यहाँ पे। तो देखो अभी वेट करते हैं। और यहाँ का नज़ारा आज का बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो धूप खिली है प्रॉपरली पूरी। यहाँ पे लोग अपने बस का वेट कर रहे हैं, बस आ रही है। नाम रामनगर को जा रहे हैं, कभी नैनीताल को, कोई काम वाम नहीं, बहन की चूत। ये कुछ रूट है यहाँ का, बड़ा साफ सुथरा। ये 30 नंबर आई है, बट फाइनली हमारी 9 नंबर की बस आ चुकी है।
हेलो। यूट्यूबर इट वॉज वेरी नाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेनू का एकदम फ्रेश है। व्हाट वॉज द रेट फॉर दिस? दिस इज किशमिश। या किशमिश, हाउ व्हाट वॉज द रेट? 100 ग्राम 650। या इट वॉज गुड। 1 kilo 6500। ओके, योर नेम? Ahmed. Yes. So, from India, if anyone is coming, contact Ahmed. I will give his number and Instagram also. 100 gram 650. Yes. So it was less. It was good. Yes. Wholesale rate. More discount. And this is? This is mango. Mango. Yes. It was very good. Yes. And what was the timing for Green Park? 6. Finish. 9 तो थैंक यू अहमद फॉर दिस। एंड व्हाट्स योर इंस्टाग्राम नेम? अहमद। आई विल पुट योर इंस्टाग्राम हियर। ओके, एंड थैंक यू फॉर दिस। एंड दिस बाजार इज लाइक व्हिच टाइम इट विल बी क्लोज्ड? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ओके, थैंक यू अहमद। थैंक यू। जूस देख सकते हो, पूरा फ्रेश 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 जूस निकल रहा है। फ्रेश फ्रूट्स है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे ना किशमिश जो था वो 600 टेंगे में था 100 ग्राम। तो यार सस्ता तो है। और यहाँ पे ना फ्रेश जूस वगैरह भी है, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। फ्रेश लाइक फ्रूट्स एंड ऑल भी है, तो सस्ता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम? तजिकिस्तान। आई एम मुंबई। मिथुन चक्रवर्ती। कोई शक? जिमी। या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स है, पूरे एकदम फ्रेश फ्रूट्स है यहाँ पे। यहाँ पे हनी की दुकान है। 50,000 टेंगे में हनी तो हमने उज़्बेकिस्तान में भी लिया था। और ये रॉ मीट है। ये देखो फ्रेश चेरीज एंड ऑल यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और ये मीट मार्केट है। बेसिकली यहाँ पे काऊ का मिल्क मिल रहा है, सॉरी काऊ का मीट मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है और अच्छा भी है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा? तो अगर आप फॉर एग्जांपल काऊ का मीट खाते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और कजाकिस्तान पीपल मोस्टली घोड़े का मीट भी खाते हैं, उनको घोड़े का मीट बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे गर्म रहने के लिए उन लोग को खाना पड़ता है। सेकेंड थिंग, जो यहाँ के लोकल शॉप्स है बड़े फ्रेंडली है, बहुत अच्छे है। तो हम लोग यहाँ का जो फ्रेश जूस है वो एक बार ट्राई करेंगे, फ्रेश जूस कितने का है कितने का नहीं। तो फ्रेश जूस हम देख लें यहाँ पे। और नॉर्मली यहाँ पे जो रेट्स है वो बहुत ही मतलब लाइक कन्वीनियंट है, कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली है नहीं। तो अगर आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ अपने हिसाब का देखने के लिए, क्योंकि यार घोड़े का मीट एंड ऑल तो मेरे लायक तो था नहीं। तो देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए यहाँ से। ये मसाले आप देख सकते हो इंडियन वाले। ये अखरोट, ये तो यार ड्राई फ्रूट्स का तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर मार्केट है और सस्ते भी है। मैंने ले लिया है ड्राई फ्रूट, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ अभी। हेलो, हाउ मच इज फॉर?
4,000 5,000। और ये देख सकते हो अखरोट यार, ये बहुत प्यारा बॉक्स लग रहा है, चॉकलेट बॉक्स। एंड हाउ मच दिस इज यार, ये बहुत प्यारा लग रहा है मिठाई का बॉक्स। ये पूछो 5,000 वेरी गुड 5,000 बस कॉफी ब्रो। दिस इज आम का पापड़, ये देख सकते हो पूरा मांगो 2,500 एंड दिस वन सेम 5,000 5,000 बोल रहा है, टेंगे लेना सही रहेगा। 5,000 नो दिस इज सो प्योर आई गेस। हां इना दिस और दिस लास्ट नहीं वन ओनली। हाउ मच लास्ट प्राइस नो देन ओके आई विल कम देन। 5,000 ज्यादा बोल रहा है यार, बट देख लेते एक बार घूम फिर के। और वालेकुम सलाम, नमस्ते नमस्ते, सलाम ब्रो सलाम। वेयर आर यू फ्रॉम? यू आर फ्रॉम कजाकिस्तान? आई एम इंडिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। यस यस हाय हाय, इतना सुकून। यस यस फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। ओह यू आर फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, समरकंद। आई गो टू समरकंद, इट्स नाइस। ओह यू योर इंग्लिश इज वेरी नाइस, वेरी नाइस ब्रो। व्हाट इज हलवा फ्रॉम उज़्बेकिस्तान? हलवा तो भाई यहाँ का हलवा खा के देखते हैं भाई के साथ। योर नेम? क्रामजान। दिस हलवा फ्रॉम उज़्बेकिस्तान नेचुरल मिक्स हलवा इज द असली। यार बहुत टेस्टी है। व्हाट वाज द रेट फॉर लाइक दिस एंड दिस? दिस हलवा, हलवा हाउ मच? दिस 1 किलो 6000, दिस का 5,500 हलवा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एप्रिकॉट है, किशमिश, ब्लैक किशमिश, राइट? और ये दिस इज आल्सो एप्रिकॉट। ओह दिस इज डिफरेंट एप्रिकॉट। व्हाट इज एप्रिकॉट फ्रॉम उज़्बेकिस्तान? नेचुरल। मामा ब्रदर, मामा पापा इज दिलबाग। ओह दिलबाग सिंगन ओलिया from India, 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 good thing. Yeah. Khono ki name Mister? You no cold? No cold. No cold. I am really cold. Yeah, cold. मैंने मो, जिल दफ्तर में मैंने मिठो। तो ना भाई साहब यहाँ के लोग इतने friendly हैं, मुझे free में खाने पीने के लिए दे रहे हैं, मेरा पेट तो ऐसे ही भर जा रहा है। And he is from Uzbekistan. Like, okay. No, thank you bro, already you have given so much. भाई इतना खाने दे दिया इन्होंने, मैंगो खाने के लिए दे दिया इन्होंने। बहुत अच्छा मैंगो। देखो किशमिश यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो 600 टेंगे में मिल जाएगा, अगर आप भावताव करोगे तो 500 टेंगे अप्रोक्सीमेटली आप इंडिया का रेट जोड़ लो जो भी बनता है। सेकेंड चीज, अगर आप मार्केट में आए हो तो यार मार्केट पे भावताव करना, विदाउट भावताव मत करना। सेम यहाँ पे सबके, कुछ भी लो आप इनमें से, सबके रेट सेम दिया इसने। एक जो बड़ा मेरे को पसंद आया था, इकरम आई कम, डोंट वरी आई कम। तो भाई यहाँ पे मसाले वसाले बहुत कुछ मिल रहे हैं, अचार और जो लोकल चीज़ है यहाँ की बहुत अच्छी है। अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर यहाँ पे विज़िट करोगे ग्रीन बाज़ार में, और यहाँ के लोग यार बड़े फ्रेंडली है, मतलब खुद ही आते कैमरे पे। और इंडिया मिथुंडा, यार मिथुंडा आपने जो नाम कमाया ना भाई, सलूट है आपको उस चीज़ के लिए। यार बाहर चाहे कजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, कहीं पर भी हो, मिथुंडा की बहुत इज्जत है यहाँ पर। तो यहाँ पे अचार भी आपको देखने मिल जाएंगे, मैं आपको अचार दिखाता हूँ, मीट शॉप्स दिखाता हूँ यहाँ की। मीट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1,000 टेंगे से स्टार्ट है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा लेना चाहोगे। घोड़े का मीट 2,000 टेंगे में भी मिल जाएगा, सस्ता है यहाँ पे। सो लेट्स सी, ये देखो घोड़े के पैर, इन लोग इसको खाते हैं।
ये देखो भाई कितने जबरदस्त जबरदस्त चीजें हैं, क्या 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 बेचते हैं भाई लोग। ये घोड़े का दिल, हेलो, ये मीट शॉप है पूरा यहाँ का। अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो ये मीट है यहाँ पे, घोड़े के पैर। ये देखो भाई शेप रियल है भाई, ये पूरा रियल है यहाँ पे। भाई कमेंट करके बताओ ये क्या चीज़ है, ये मेरे को भी नहीं पता क्या। अच्छा घोड़े का मीट है, ये घोड़े का मीट है भाई, देख सकते हो घोड़े का मीट किस हिसाब से बिक रहा है यहाँ पे। तो भाई जैसे मैं बता देता हूँ, अगर आप ड्राई फ्रूट मतलब ख़रीदने का सोच रहे हो तो ड्राई फ्रूट यहाँ पे मिल जाता है 100 ग्राम 600 टेंगे में। आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख लो। मसाले भी अप्रोक्सीमेटली 200 टेंगे में स्टार्ट होते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत सस्ते हैं। और अगर आप घोड़े वगैरह का मीट देख रहे हो तो वो 1000 टेंगे से स्टार्ट है, तो वो भी आप देख सकते हो। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरे लोकल शॉप्स है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ के किसी लोकल से बात करने का ट्राई करेंगे और उसको रेट के साथ बार्गेनिंग करेंगे। ये मनीष मार्केट लग रहा है भाई मेरे को, लड़की होगा तो भाई यहाँ पे तो लड़कियों के लिए जन्नत है पूरी। जैकेट्स तो डिपेंडिंग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये परफ्यूम की दुकान है यहाँ पे। यार ग्रीन बाजार तो बहुत बड़ा है, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो ग्रीन बाजार के अंदर आपको ढेर सारे ATMs भी मिल जाएंगे अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो भी। तो बेसिकली अगर आप ग्रीन बाजार की तरफ आ रहे हो तो मेक श्योर करना कि हेलो इंडिया 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 इंडियन भाई मिल गए यहाँ पे। कहाँ से हो? बॉम्बे। बॉम्बे? अरे मैं भी बॉम्बे से ही हूँ। कहाँ से हो? बॉम्बे। अंधेरी। अरे क्या बात है, हम तो घाटकोपर से। अरे घाटकोपर से पास ही रहते हो मतलब? अरे आस पास ही रहते, जहाँ वेस्टर्न लाइन की तरफ आ जाएंगे। और क्या, कितने घूमने के लिए? बस घूमने के। कितने दिन के लिए हो? बस 3 दिन और है। 3 दिन और फिर निकल जाओगे? संडे तक। हाँ मेरा भी वही है, परसों तक निकलने का प्लान है। शिमला गए? नहीं अभी जाएंगे। अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ शिमला। चलिए मिलते, बाय। तो यहाँ पे यार इंडियन कोई मिलता है तो बहुत मज़ा आती है उनसे बात करने में। और यार एक्चुअल में यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, मतलब यार कोई इंडियन मिलता है तो बहुत खुशी होती है। तो चलो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, अगर आप स्कीइंग के शौक हो तो AU स्पोर्ट नाम पे आपको यहाँ पे स्कीइंग के कपड़े मिल जाएंगे, जो शिमला में हम लोग जाने वाले हैं। शूज़ से लेकर के सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अगर बैग्स लेना है तो बैग्स का भी यहाँ पे शोरूम है, बहुत सस्ते में बैग्स हैं यहाँ पे, 2000 टेंगे से स्टार्ट है। ये देखो लड़कियों के कितने सुंदर सुंदर आउटफिट है, ये कजाक पीपल लोग पहनते हैं, कजाक की महिलाएं पहनती हैं यहाँ पे। जैकेट्स देख लो यार, थोड़े कॉस्टली है बट इट्स ओके। शूज़ का कलेक्शन देख लो। तो हाँ अगर आप बजट शॉपिंग का सोच रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये, आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें यार, जो हमें लाइक सिटी सेंटर में इतनी कॉस्टली मिलती है। अगर आपको थोड़ी सस्ती थोड़ी बहुत सस्ती चाहिए तो ये शॉप आप लोगों के लिए ही है। अभी यहाँ से हम लोग गर्ल्स सेक्शन से तो निकल गए। गर्ल्स सेक्शन के जो कपड़े उन्होंने मुझे दिखाए वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 टेंगे से स्टार्ट है, मतलब जो टॉप एंड ऑल है। तो आप इंडियन करेंसी में उसको देख सकते हो। अभी इसको सरोजनी से कंपेयर मत करना, ऑब्वियसली सरोजनी और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई गेस हमें यहाँ से बाहर निकलना है। ये जो ग्रीन बाजार है वो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है। अगर आप कभी भी अंदर आओगे तो आपको ऐसा फील है कि मतलब मॉल भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बना है बहुत बड़ा। मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा मोस्टली होता ही है कि जब भी आप जाओगे, चाहे मैं उज्बेकिस्तान में भी गया था, वहाँ का अपने अगर चोरसू बाजार का वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आ रहा होगा, तो सेम है यार, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। बस रेट्स थोड़े से उज्बेकिस्तान के जो रेट्स थे वो थोड़े सस्ते बोल सकते हो आप, कंपेयर टू कजाकिस्तान। कजाकिस्तान थोड़ी सी महंगी कंट्री है बट इट्स ओके, अच्छी कंट्री है। और यहाँ पे जो आपने चीज़ें देखी होगी वो लाइक थोड़ी सी अच्छी है पर कंपेयर टू उज्बेकिस्तान। यहाँ पे लड़कियों के कपड़े, लड़कों के कपड़े, एक्चुअली मुझे वहाँ पे सिर्फ मसाले एंड ऑल ही दिखे थे उज्बेकिस्तान में, इतनी सब चीज़ें नहीं दिखी। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मुझे बहुत लोग खाने पीने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो यार बहुत अच्छा सा फील हो रहा है यहाँ पे। मतलब लोकल लोग इतने फ्रेंडली होंगे मुझे पता नहीं था। तो थोड़ा बहुत मैं इन लोग की इसमें दिखा देता हूँ। घोड़े का मीट तो आपने देख ही लिया, इंडियन मसाले और फ्रेश फ्रूट
लेने का हम लोग अभी ट्राई करते हैं। आई गेस फ्रेश फ्रूट हमें मिल जाएगा। फ्रेश फ्रूट तो नहीं बोला, फ्रेश जूस देखते हैं। फ्रेश जूस यहाँ पे सस्ता है मैंने सुना है। मैं मीट शॉप में अभी घूम रहा हूँ यार, मीट तो खाता हूँ नहीं मैं ज़्यादा, चिकन के अलावा यार मेरे से कुछ नहीं जाता है, बट बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये देखो लाइव फिश दिखाता हूँ आपको, जो लाइव यहाँ पे कटती है देखो। तो ये देखो भाई यहाँ पे ना हर जगह पे मतलब महिला ही काम कर रही है, कोई इंडियन मतलब लाइक इंडियन बोल रहा हूँ, कुछ लाइक नॉर्मल लोग काम नहीं कर रहे। मेरे को तो मर्द बहुत कम दिखे फिश मार्केट में, पूरी औरतों का ही बोलाबाला है यहाँ पे, वुमेन एम्पावरमेंट। और इन लोग देखो ऐसे लाइव फिश आपको काट के देते हैं यहाँ पे। ये 3000 टेंगे के है। फिश एंड ऑल जो खाता है उसको तो जन्नत है पूरी। Here I come. Oh, here I come. Oh. Basically. Oh, yaar. Yaar, ye kitni awesome hai yaar. यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत फ्रेंडली है, मतलब खुद ही कैमरे पे आने के लिए बोलते हैं। उज़्बेकिस्तान में ऐसा नहीं था, उज़्बेकिस्तान थोड़ी कंजर्वेटिव कंट्री है, मतलब वहाँ पे लड़कियाँ इतनी फ्रैंक नहीं थी बट इतनी नहीं थी जितनी मतलब कजाक गर्ल्स होती है। कजाक गर्ल्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते और बहुत अच्छे होते, तो यहाँ पर मुझे कुछ इतना प्रॉब्लम गया नहीं इतना। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पर देखो भाई लोग हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम ब्रो, या ब्लॉगर। हाँ, यू नो हिंदी? ओके, योर नेम? हाँ, अकमतुल्ला। तो आई गॉट अ फ्रेंड हियर अकमतुल्ला, पीयूष, पीयूष, यस। आई एम यूट्यूबर, या आई हैव ईटन, थैंक यू। तो यार यहाँ पे मेरे को फ्री का खाना इतने देर से मिल रहा है ना, कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। नरेंद्र मोदी, यस। अमरीश पुरी, मिथुन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यस। Have eaten this thing, mawa, right? Wali dulhaniya le jayenge. Blogger? Yeah, blogger, YouTuber. YouTube? Yeah. Yes, YouTube. Yeah, YouTube. Nomad Piyush. Piyush? Yeah, NOMAD. English Piyush? Yeah. You? तो ये देख सकते हैं आप, अखरोट से लेकर के सब है। थैंक यू, थैंक यू। व्हाट दिस? बूम 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 बोल रहा है भाई। You Muslim? Yeah. Are you Muslim? No, no, Hindu, 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 Hindu. Muslim means a little religion. No, no, Hindu. I go to Muslim countries. Uzbekistan, you? You from Uzbekistan? Huh? Uzbekistan? Yes, yes, yes. I go Uzbekistan, then I come here. This Baba, good. This is Baba, Bazar Baba. Hi Baba. This lady, no. Oh. Mani, no. Lady, no. No money. No money, no honey. No money, no honey. No honey. तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा properly. How much for this? 4,000 1 kg. 1 kg. 4,000 for 1 kg means 400 rupees per like 1 gram.
My brother Shahrukh Khan, Salman Khan, Katrina Kaif. Katrina Kaif. Indira Gandhi. You know a lot of Indians. At the Hindustan, in the Jawaharlal Nehru. Yeah, Jawaharlal Nehru. Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Yes. Narendra Modi. Narendra Modi. Yes. Hindustan, it is Sovietski group. He has come to Hindustan. He's from Uzbekistan, Tajikistan. Yeah. Tajikistan. Right. Have you come to India? India. Okay. Come India. This Tajikistan, Tuda, Uzbekistan, Kazakhstan, Almandos. Oh my god. So you can see this. What proper. Thank you. Your name? Abdul Malik. Yes, sir. So thank you, Abdu. Abdu mil chuke hain. Yes. 50% discount. Agar aap yahan se khareedoge, I will give her Instagram. Your Instagram, I will put here. So Abdu ka Instagram de dunga. Agar kisi ko bhi mangwana hoga, order karna hoga, he will deliver you. And 50% discount. Thank you. Abdu. So, original discount. He is also giving 50% discount. Your name? Yeltsin. Yeltsin. Hajik Yeltsin, 50% discount. For Yeltsin, agar if come to shop, 50% discount for all this. अगर आप यहाँ से आते हो तो 50% डिस्काउंट वो आपको देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स ऑल फॉर 50% डिस्काउंट राइट 50% डिस्काउंट इंडिया टूरिज्म विद अलमाटो 50% डिस्काउंट ओके तो भाई ये बोल रहे हैं कि कभी भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो ये आपको 50% डिस्काउंट देंगे तो आप कभी भी ग्रीन बाजार आओ तो इनकी शक्ल देख लेना आप नेक्स्ट टाइम ठीक है और आप इनसे कांटेक्ट कर लेना बाय बाय ब्रदर बाय बाय जय शाहरुख खान थैंक यू यस ब्रदर व्हाट यू आर सेइंग गोइंग शिमलक या इन आई एम फ्रॉम इंडिया ओ यू आर फ्रॉम उज़्बेकिस्तान ओके सो बाय ब्रो व्हाट्स योर नेम या Almatullah, when you are come in this shop, take discount. 50% discount he will give you. Bye bro. तो चलो भाई अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं. Yes. तो अभी यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और सीधा मिलते हैं हमारे न्यू लोकेशन के तरफ यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा अप्रोक्सीमेटली लाइक मेरे को देख करके डिस्काउंट दे रहे थे मोस्टली अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं बट मैंने सबके वीडियो रिकॉर्ड कर लिए तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी जाओगे तो आप लोग उनसे डिस्काउंट की मांग जरूर करना देखो हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे भी आपको बार्गेन करना ही पड़ेगा अगर आप वैसे बार्गेन नहीं करोगे तो आप लोगों को डायरेक्टली इन लोग बहुत मतलब महंगे में देंगे तो बार्गेन करो अगर आप यहाँ पे आए हो और मेक श्योर कि आप अपने फ्लाइट में भी पूछना कि आपको ये सब चीज़ें यहाँ से लेके जाने के लिए अवेलेबल है या नहीं है तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो धन्यवाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को और हम लोग यहाँ से जाएंगे अब सीधा शिमलुक के तरफ जो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा दूर है बट कोई नहीं अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है ये बस स्टेशन है अगर आप बस स्टेशन से जैसे मैं आया था वैसा ही अभी जा रहा हूँ वापस बस से और बहुत अच्छा रहा हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ किशमिश खरीदी और कुछ नहीं खरीदा क्योंकि यार मैंने ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग मेन सिटी सेंटर में कर ली थी तो एक्स्ट्रा शॉपिंग हम लोग को ज़रूरत नहीं थी अभी तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे अप्रोक्सीमेटली अपने न्यू लोकेशन जो है शिमलुक सेम कपड़ों में रहूँगा तो यार भाई जज मत करना कि यार ये बंदा कैसे जा रहा है सेम कपड़े सेम वीडियो नहीं ब्रो हम लोग लाइक शिमलुक जा रहे क्योंकि मेरा आज लास्ट डे है यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है कोकटोबे में भी आई गेस सेम कपड़े ही हो तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर लेना और मिलते हैं हमारे न्यू वीडियो पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो तुम लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं किसी को भी रेट्स या कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी या कुछ भी आपको पूछना होगा
तो मेरा कमेंट बॉक्स चालू है, मैं आप लोगों को दे दूंगा। और मैं यहाँ पे नीचे आप लोगों ने वीडियो में जिन जिन की शक्ल देखी है उनके पास जाओ, उनको बोलो कि नोमैड पीयूष है, पीयूष की तरफ से आप आए हो, वो मेरी फोटो दिखा देना, वो आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो चलो मिलते हैं, सी या।